Hey Farah, how are you doing? Good to Good, see you good. finally. Yes, finally. How are you doing? I'm fine, thank you very much. I'm so sorry. Fuchsia has No, been asking me for a very long time to do an interview with you guys in Karachi at your yeah, studio. और Lekin करोना ने somehow, हमें साथ मिलाया. yeah, somehow or the other, it never materialized. आपको मैं मिला भी था कराची में, and I told you I'm just here for one more day. So, लेकिन Yes. हमेशा से मैंने ये सोचा हुआ था कि whenever I get the time, next time I'm in Karachi, I'm going to definitely do something with you guys. So, yeah, Totally. here we are. Yes. और आजकल तो है ही ये सब इसी का जमाना है. So even virtually if we can meet, that's fine also. So anyways, so मैं देख रही थी माथ के आपकी, because you are a fitness freak. So before we start taking a few questions, I would want to know little bit कि आजकल आपकी क्वारंटीन में what is the top priority these days? Regarding fitness or generally? Fitness general, but I know you're a fitness freak, so I'm assuming it's that, but you tell me. You see, फिटनेस गोल्स को तो काफी सेटबैक मिला है, और जो भी मेरे गोल्स और एस्पिरेशंस हैं उनको मुझे वापस थोड़ा रीथिंक करना होगा, और इतना फोकस नहीं दे पाऊंगा जितना जब वर्ल्ड वाज नॉर्मल तब था. तो राइट नाउ माय प्रायोरिटी इज टू कम आउट एज अ मोर स्किल्ड पर्सन, कम आउट एज अ मोर केपेबल पर्सन, टू कीप ऑन वर्किंग ऑन माय सेल्फ. एंड यू सी, इन माय ओपिनियन द हीरो इज, जो हीरो हमारी हमारी इंडस्ट्री में बड़ा यूज होता है और हमारी सोसाइटी में बड़ा यूज होता है, हीरो हीरो. आई थिंक द हीरो इज समवन हु रिटर्न्स टू द बैटल फील्ड इवन आफ्टर बीइंग डिफीटेड. ही इज गॉट द टेनेसिटी टू रिटर्न टू द बैटल फील्ड. दैट इज व्हाट सेपरेट्स द हीरो फ्रॉम द ऑर्डिनरी कुड हैव बीन. सो आई थिंक वी आर इन अ बैटल फील्ड राइट नाउ. इट्स वॉर, और इन टाइम्स ऑफ वॉर एवरी मिनट काउंट्स, एवरी सेकंड काउंट्स. सो यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेफ फर्स्ट ऑफ ऑल. आपकी सबसे प्रायोरिटी अपने आप को बचाना है, और उसके अलावा अपने आप को इक्विप करना है. नेपोलियन की बहुत एक मशहूर सेइंग है दैट द आर्ट ऑफ वॉर इज अ साइंस इन विच नथिंग सक्सीड्स दैट हैज नॉट बीन वेल थॉट आउट और कैलकुलेटेड. सो या, यू हैव टू रियली वेल थॉट आउट अपनी हर चीज को करना है, हर चीज को कैलकुलेट करना है. सो या, दैट्स माय प्रायोरिटी, टू बिकम मोर रिजिलियंट, टू बिकम मोर स्किल्ड, टू बिकम मोर यू कैन से आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. एवरीवन्स आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. सो द मोर यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, द मोर यू ग्रो. सो या, सो अपने आप को सबसे पहले वो रखना, बैलेंस रखना, इंसेन रखना, बिकॉज आई नो इट्स अ हार्ड टाइम फॉर एवरीवन. आपको एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं, आपको पैनिक्स होते हैं, आप सोचते हो अब क्या होगा, मैं कुछ कमा नहीं रहा, एक दो महीने बाद क्या होगा, लेकिन इट वर्क्स आउट इन द एंड. सो वट एवर यू गोइंग थ्रू, जस्ट डोंट ओवर थिंक अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर. ऑल यू हैव इज द प्रेजेंट मोमेंट टूडे दैट यू ऑल दैट यू हैव इन योर हैंड. Totally, totally. And also everybody, the whole world is in the same situation. It's not ke khali main hoon ya koi aur. It's like, so bacche bhi jaise keh rahe hain, the ones who are about to graduate or universities mein jaane hain, all the cancellations of exams and everything, and they're like, what will happen? What will happen? It's like, it's okay, the whole world will move on. It'll eventually move on. 2 महीने लगेंगे, 3 महीने, 6 महीने लगेंगे, बट इवेंचुअली स्लोली 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 आई थिंक ये हमारा वे ऑफ लिविंग स्टार्ट हो जाएगा. वी विल ऑल बी इन दिस, वी विल ऑल स्टार्ट लिविंग दिस वे, वी विल ऑल स्टार्ट होपफुली, गेटिंग आउट. या आई होपफुली, होपफुली. ओके, सो लेट्स जी टेक अ फ्यू क्वेश्चंस. एक ने तो मुझे पहले ही भेजा था. ओके, देयर इज वन अरुसा, शी इज सेइंग कि आई मेट यू एट लम्स. इमाद से मेरा नाम लें, इमाद सर आप उनका नाम लें. हर नेम इज अरूसा. Hi Arusa, how are you? I think you attended one of my, it was labeled as motivation speaking. So yeah, I think you attended that lecture. So hi Arusa, how are you doing? Okay, now this is Ibrahim. He is saying, any tips for setting up a home gym? इक्विपमेंट, आई मीन अगर आप जाके इक्विपमेंट ले सकते हैं, आई थिंक काफी जगह इक्विपमेंट मिल रही है. उसके अलावा कमिटमेंट, आई मीन हर रोज 30 to 40 मिनट्स आपको, यानी मुझसे नहीं होता, आई गो गो ऑन द रोड्स एंड रन एंड डू माय बॉडी वेट्स आउटसाइड, लेकिन मुझसे कभी घर में नहीं होता. बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए. सो कमिटमेंट, आई गेस दैट्स द टिप.
या आई गेस वही सब कह रहे हैं ना कि अगर आपके पास वो नहीं है, वेट्स नहीं है, तो आप कोई वाटर बॉटल्स उठा लो, स्टेप्स चले जाओ, सो घर के अंदर की चीजों को बना लो जिम. व्हाट कैन यू डू? एवरीबॉडी इज बीइंग वेरी क्रिएटिव दीस डेज. You have to work with the resources that you've been given. Yes, definitely. Okay, there was one question to Belly Pichota. Okay, this is Ariba Qureshi. She is saying, will Imad work in Bollywood if he ever gets any chance? I think बहुत ही अब ये hypothetical सब question हो चुका है. They don't respect us. So we don't have to be showing ke we want to work with you. If you don't give us respect, we don't give you respect also. It's as simple as that. If you don't give our cricketers respect, if you don't give our musicians respect, actors respect, so hame bhi koi zarurat nahi aap logon ko respect dene ki. So absolutely, you have to go where you're welcome, where you're given respect. So if it's done with respect, if it's done with proper reciprocation, why not? Kyun nahi? Bilkul. Okay. So another question of Ariba Qureshi again. How was Imad Irfani's working experience with Saba Qamar in chief? Ye mera bhi question tha. Main bhi puchna chah rahi thi. Saba Qamar ke saath kaam karna ka kaisa experience tha? Overall chief experience. I think experience, jo bhi experience aap life mein karte ho, aapko kuch na kuch sikhata hai. You learn from it. You move on. And obviously, I believe progress comes from good judgment. Good judgment comes from experience, and experience comes from making mistakes. So, जो भी आप गलतियाँ करते हो, उनको आप देखते हो, analyze करते हो और आगे बढ़ते हो. Cheek का experience अच्छा था, script strong था, बहुत बड़ी cast थी, हर actor, हर artist जो था, अपनी नौयत में बहुत important था. सबा के साथ मेरे जो scenes थे, वो बहुत कुछ ड्रामेटिक थे, कुछ सटल थे, कुछ बहुत वल्नरेबल भी होना था हम दोनों को. सो इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स वी हैड टू बी वेरी वल्नरेबल. सो इट वाज लाइक अ डुएट, जिस तरह लड़का और लड़की एक डुएट गाना करते हैं. सो द एक्सपीरियंस वाज गुड. शी इज अ वेरी सीजन्ड, वेरी एक्सपीरियंस एंड अ वेरी वेरी मंजी एक्ट्रेस. एंड देन आई हैड टू आल्सो वर्क अ लॉट हार्डर. आई हैड टू अप माय गेम आल्सो. I'm a big believer that excellence can never come without labor. You have to keep on working hard, keep on working hard, keep on working hard. That's how excellence is achieved. So I think there was a lot of hard work by everyone in the team involved, and it showed, I guess. Wo cheez nazar bhi aayi. To bahut acha experience tha overall. Badr Mahmood, the director, unke saath bhi, and jo ye intense scenes se, इनको एज एक्टर्स वी क्रिएट इल्यूजन्स. आई मीन दैट सर्कमस्टांसेस या वो सिचुएशन असल में नहीं होती, लेकिन यू हैव टू क्रिएट दैट. सो आई थिंक इट टेक्स एक्सपीरियंस. और आई डिड इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. सबा डिड इट टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, एंड द रिजल्ट्स हैव शोन दैट ऑडियंस एक्सेप्टेड इट. बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली या टेल मी समथिंग इमाद, कि आफ्टर चीफ आपने कोई और नहीं किया? व्हाट्स योर, उसके बाद की क्या जर्नी थी? मैं हमेशा से क्वालिटी को बहुत तरजीह देता हूँ ओवर क्वांटिटी. सो उसके बाद कुछ चीजें आई जो कि मुझे इतनी इंस्पायर नहीं की. और अक्टूबर में बिग बैंग, जो कि सेम प्रोड्यूसर्स ऑफ चीख, दे पिच्ड मी समथिंग. दैट इंस्पायर्ड मी. दैट वाज जो कैरेक्टर था वो बहुत शेड्स वाला था. यानी मुझे वो कैरेक्टर्स करने में मजा आता है जो कि चैलेंजिंग हो, जो कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाए, क्योंकि वो कंड्यूसिव होता है मेरी ग्रोथ एज एन आर्टिस्ट. और डायरेक्टर आबिस रजा, जब मेरी उनसे कॉल पे बात हुई तो मुझे लगा कि ये बहुत पैशनेट और एंथुजियास्टिक है अपने काम और स्क्रिप्ट के बारे में. प्लस मेरी बहुत अच्छी रैपिड बन चुकी हुई थी बिग बैंग के साथ, बिकॉज आई हैड डन चीख विद देम. So I wanted to work with them again. Leading female artists thi usme Minal Khan thi aur Ariba Habib. Bahut you can say it's a very intense love story. It ended in January. I was in Karachi November, December, January with Spells. So Jalan iska title hai, and I think it was supposed to come on air, lekin ab I don't know what the status is. Oh god. Okay, so it, no, but already agar production ho gayi hai, like shooting sab khatam ho gayi hai, har cheez ho gayi hai, har cheez ho gayi hai.
Okay, chalo, great. Because this is what we were also discussing the other day. We were like, you know, ek time per production agar nahi ho rahi for 3 months for all this lockdown and everything. So phir, you know, new dramas kaise hoge and all that. But yes, of course, agar kuch backlog mein pade hue hain jinki production khatam ho chuki hai, and then they're just in their final edits. So maybe editor to it's just one on one jisne kaam karna hai, so maybe they can still continue and keep on finishing that project. Let's hope so. Yes, Farah, lekin ek cheez, I think atmosphere entertainment ke liye conducive hona bahut zaruri hai, kyunki hamara atmosphere hi agar war hai, agar war ho rahi hai bahar, you can't even go out of your house, it's curfew, you cannot even shake hands, you cannot I mean, without being petrified, go to a grocery store and all. So I don't know agar iske andar nayi releases itna kaam karengi ki nahi karengi, because people, entertainment I think is a luxury. It's a luxury because people want to get their minds off their work, people want to be entertained, they want to watch people who they get inspired by. So I don't know ab nay jo, we all are in a catch 22 situation, hame nahi pata ki kya response hoga audience ka kisi bhi nayi cheez ki taraf. So to risky hai naya content bhi mere khayal se. I never thought of it that way. Actually, आज आपने ऐसी बात की कि और मेरा उल्टा था. मैं like okay यार, हम because lockdown में हैं तो हमें तो नई चीजें देखनी है, because कितने drama Netflix चीजें पड़े पड़े हैं. यार ये भी just today Asadin and I were still gonna like tonight we're gonna start that Mirza Ghalib wali, because हमने YouTube पे देखा and long. ये Nasiruddin Shah साहब वाली के नहीं आई है कोई? नहीं नहीं Nasiruddin Shah. Oh, wow, that's I watched it about iconic role hai unka. Yeah, 25 years back dekhi thi, and ab we like chalo, and like we both were like let's watch this, because ab ye na ki ab wo ne wo sab khatam hote ja rahe hain, you know, sab kuch aise aise dekh rahe ho aap rozana baith ke subah shaam ya dopahar ko whatever. So now like chalo ab ye dekh lete hain. So isi tarah mein agar kuch naya aayega, so I know thoda wo hoga, kuch ko acha lagega, kuch ko depending on who's in what situation also. Yeah, because हमारा जो काम है बड़ा वो psychological है. I mean, you cannot control the minds of the audience. वो किसी को accept करती है, किसी को नहीं करती. उसी तरह वो किसी project या किसी commercial को accept करती है, किसी को नहीं करती. तो in these times, I don't know उनका thought process क्या चल रहा है, वो accept करेंगे कि नहीं करेंगे. I know. Yeah. I think audience से बहुत जल्दी हम पूछेंगे कि भी audience आप बताएं कि क्या हो. Okay. So this is Kumail Akhtar. Yeah, he's asking you how are you bro, and he's saying it in a way ke, as if he knows you, so he wants you to take his name. Kumail. Hey Kumail, how are you doing? And I'll also say it in a way that I know you also. okay, so new project kisi ne pucha tha, I think uska humne reply abhi kar diya hai. Any tips on healthy eating, please tell. They're all asking you. And there's one more question. Imad Bhai, I'm a fan, especially your personality apart from acting. So okay, so this is just a compliment. Okay, healthy eating. Healthy eating bas ye hai ki koshish karenge 70-75% you take good intake, and 20-25% give yourself the leverage to have whatever you want to have. Because it's all a numbers game. End of the day, आपकी percentages जिस भी चीज में ऊपर होंगी उसके results आपको मिलेंगे, और जिस चीज में आपकी percentage कम होगी उसके results नहीं मिलेंगे. तो try to have 70-75% good intake. Control yourself. हफ्ते में 3 into 21 meals हैं अगर, तो that means के आपने 15 meals जो हैं साफ करने हैं, और 5 से 6 में आप slack कर सकते हो. आजकल यही हो रहा है, हर बंदा ऑल द सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स यही हो रहा है कि somebody's cooking, somebody, of course, there are lots of lives, but then कोई कुक कर रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई एक दूसरे के बाल काट रहा है, you know? absolutely, we're all becoming experts in everything these days actually. Yeah, we'll be experts on Insta Live also very soon. We have all become that, I think. Yeah. Okay.
If somebody is asking, somebody is like confused, कहें कि भी कि इमाद सिर्फ अपने workouts को stories में क्यों share करते हैं और क्यों नहीं कुछ share करते हैं? हमें आई थिंक उनको कुछ और भी प्राइवेट होना बताना बड़ा जरूरी है. प्राइवेसी, आई बिलोंग टू स्कूल ऑफ थॉट. मैंने उन एक्टर्स को देखा है जिनको आप जिनके साथ आपका दूर दूर तक कोई कनेक्शन वॉज नॉट पॉसिबल. एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सिंगर्स, वो जमाना भी मैंने देखा है. वो एक आपके लिए एक दूसरी दुनिया की मखलूक हुआ करते थे. सो आई थिंक एक मिस्ट्री होना बहुत जरूरी है. दूसरा, हर चीज पोस्ट करना, आई जस्ट डोंट बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट. आई डू अनाउंस माय वर्कआउट्स बिकॉज उससे आप इंस्पायर हो सकते हैं. उसका बेसिक मोटिव और मैसेज ये होता है कि इफ आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, कुछ नहीं है. सिर्फ आपको अपने आप को पुश करना है. इफ यू डोंट पुश योरसेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू पुश यू. सो इफ आई कैन पुश मायसेल्फ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, you can also do it. That's the reason I post my workout stories. And also, if you want to improve anything, log it. आपको किसी भी चीज को इम्प्रूव करना है, लॉग करें. अगर आपको अपने खर्चों को इम्प्रूव करना है, log that. अगर आपने अपने वर्कआउट्स को इम्प्रूव करना है, log it. अगर आपने हेल्दी ईटिंग को इम्प्रूव करना है, log it. Oh, I like this is the third tip. ये लाइक अगर आपने हाफ एन आवर दिया है उसके अंदर मेरे साथ पूरा का पूरा हाफ एन आवर लाइक क्वालिटी टाइम किया है लिटरली लाइक एंड आई वाज थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर आई नो नो आई मीन आई एम आल्सो लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग नो इट्स गुड ओके सो समबडी इज आस्किंग मोमिन is asking what goals do you want to achieve coming oh okay so what goals do you want to achieve coming out of this lockdown. Anything? What goals do I? Okay, very good question, Momin. I think this is my nephew. Achha, Momin, goals. Huh? Goals bas yehi hai ke improve karte raho har cheez ko. Whatever you want to do, it all starts with your thought process. Because how we think is going to affect how we act, and how we act is going to eventually give us the results that we want. So keep on working on my attitude. जो कि मेरी वीकनेसेस हैं अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस में, उनको बेहतर करो. जो कि टूल्स हैं जो कि एज एन एक्टर मुझे बेहतर कर सकते हैं, अपनी आवाज के ऊपर बेहतर करता रहूं, अपनी उर्दू को बेहतर करता रहूं. तो बहुत ज्यादा गोल्स हैं ये. मोमेंट मैंने आपको तीन से चार ये मेंशन किए हैं. सो ये तीन चार चीजें हैं जो कि सॉरी मैंने कहा उर्दू को बेहतर करता रहूं, ये हमारे बहुत हम सब में है. आई थिंक उर्दू को बेहतर करना इज वन थिंग कि हम एक्चुअली आई थिंक हम हमारे थॉट प्रोसेस इंग्लिश में चल रहा होता है व्हाटएवर रीजंस और हम कोशिश करते हैं इवन अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए हमें सारा वक्त ये लोग नीचे बोल रहे होते हैं आप प्लीज उर्दू में बात करें और वो बस इंग्लिश में करते करते हुए. सो या यू आर राइट एक्चुअली उर्दू को बेहतर करना बहुत जरूरी है. या क्योंकि जो यस ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमाद ओके ओ वुड यू लाइक टू प्ले जेम्स बॉन्ड. I would love to play James Bond. Why not? Give me the role. I'll do it right now. Okay. So another question. Next question from Daniel Craig is one of my favorite actors also. I love him. Okay. So Binish Khan is asking, jo mera bhi ek question tha, ki are we going to see you soon on the silver screen? Actually, I just shot my first movie in November. Shot it in interior Punjab. It's a story about Khilafat movement that originated from subcontinent. The Muslims of subcontinent from Punjab helped the Turks in their independence war. Okay. So, yehi wo idea tha jo ke baad mein Qiyam e Pakistan ki inspiration tha ke Barzagir ke Muslimano ne socha ke hame bhi ek apni state chahiye aur isi tarah usne momentum build kiya aur 15-20 saal baad wo Qiyam e Pakistan mein कन्वर्ट हुई. सो कमिंग बैक एक प्रोसेस बड़ा हार्ड था. हर रोज हम गुजरांवाला में हमारी बेस थी. हम लोग सुबह 6 बजे उठ के घंटा दूर जाते थे, सुबह 7-7:30 बजे वहां पहुंचते थे और फिर वापस रात को वही 11 बजे आते थे. तो गवार रहना इज द टाइटल. ताहिर महमूद इसके डायरेक्टर हैं जो कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट इन इस्तांबुल में एज ए डिप्लोमेट 4-5 साल काम करते रहे. उनकी इंस्पिरेशन भी यही थी कि पाकिस्तानी की इतनी इज्जत क्यों की जाती है टर्की में. तो जब उन्होंने उसको ट्रैक डाउन किया तो उन्होंने ये कैटलिस्ट था, ये जो इवेंट है ये कैटलिस्ट था. दैट्स व्हाई टर्की में पाकिस्तानी की बहुत इज्जत की जाती है बिकॉज उनके सिलेबस में, स्कूल्स में, उनके कायदे में हर जगह यही यही मेंशन किया गया है कि
Pakistanis really help them. Muslims really help them. Yeah. Wow. So, okay. So, production may is what in the pipeline. We're also seeing you in a drama and we're also seeing you on soon, inshallah. Great news. Okay. So, I mean, for a kaam to chalta hi rehta hai. Yeah. I mean, kaam to chalta hi rehta hai. One moment you're ahead, one moment you're not. Even if you're at the top, it's a very fleeting kind of a moment. Yeah. I mean, nothing's permanent in life. What's permanent is to inspire people, to tell them that they have this superpower inside of them to dramatically change the course of their lives and do whatever they want to do in life. Yeah, totally. Okay, do you still have time for one or two questions? Yeah, let's do that, please. Okay, so ye hai nature's joy, she or he, okay. So does the modeling industry require you have a lot of dollars to start to make the portfolio? I think they're asking ke portfolio banane ke liye, do you need to have a lot of cash in hand? I don't know. मैंने 18 साल पहले मॉडलिंग स्टार्ट की थी. अब मुझे प्रेजेंट डे का नहीं मालूम. But money always helps. It can because हर चीज के लेवल्स होते हैं. अगर आप पोर्टफोलियो अपना अच्छा बनवाना चाहते हैं, किसी अच्छी जगह से बनवाना चाहते हैं, तो आई एम श्योर द इन्वेस्टमेंट द कैपिटल विल हेल्प यू. इट्स नॉट गोइंग टू नॉट हेल्प यू. I guess so. हाँ, portfolio अच्छा portfolio होगा तो yes. Okay. Yeah, so, अब तो पता नहीं dynamics भी change हो चुकी हैं. मैं तो dinosaurs के ज़माने का model हूँ. Dinosaurs के ज़माने का. Okay. So okay, I was saw you in the cheek and what a powerful performance. Okay, so they're just saying about cheek. And they're all like praising cheek. Thank you. Okay, so this one again is Beenish Khan. She's saying, where do you see yourself in another 4 years in the industry? Abhi to hume 6 months ka nahi pata. Where do I see myself in another 4 years? I believe somewhere far, far ahead from where I am right now, because only thing that I want to do is improve and to obtain the next level. And every new level that you achieve is going to tell you that there's another level that you can achieve, because you can always have more because you can become more. So I want to become more. I want to have more. And that takes work. That takes gradual. It's a process that you go through. So yeah, I'm willing to go through that process. And I see myself, inshallah, if everything's stays. I mean, we go back to our usual life. So yeah. I see myself, ahead of where I am today, because the only thing you can do is make goals and keep on working towards them, because change constant cheez hai. When you make goals, you not totally, but thoda sa aap command le lete us change ko. Okay. Yeah. True. Okay. So any tips for chords on guitar? Would you know that? Practice okay. is everything. I mean, if you don't practice, you don't deserve to win, Andre Agassi says. So you have to practice. Keep on practicing. 15 se 20 minute har roz ke. Yeah, 15 se 20 minute. That's it. Yeah. I think practice har cheez ke liye chahiye hoti hai. You need anything. I mean, even to tie our shoelaces. For the first time, we couldn't tie our shoelaces. Now we can do it without looking at it. Yeah. All about practice. Okay. All right. So this is Komail Akhtar. He is asking about Bilal Abbas ke baare mein aapka kya khayal hai? Your views about him. My views about him is he's a good actor. Yes, he's a good teammate. Okay. All right. Okay. Everybody's saying please do more work. Bhi kaam kiya hai, abhi ruka hai. Aap logon ko do cheeze aa rahi hain. Yeah, main once again, I tried to. Mera one of my idols, Michael Jackson. Uska bahut bahut mashhoor quote tha ke I don't want overexposure. So वो बचपन में मैंने सुना था और वो मेरे दिमाग में एक तरह से subconscious में जाके बैठ गया कि I don't want over exposure. True actually.
you're saying the right thing actually. और वो कहते हैं ना OD हो जाएगा उसके बाद, उसका OD हो चुका है बहुत सारे actors के बारे में, I won't take names, यार उनका तो OD हो गया. Yeah, I'm not saying they're doing right or wrong, बस अपनी अपनी approach होती है हर चीज की तरफ. So spaced out is always best. Yeah. So again, this M. Heather is James. I think he's a very big fan of James Bond. James Bond or Batman, which one would you want to play? James Bond, of course. Batman का मैं इतना बड़ा fan नहीं हूँ. Okay, so when can we expect you to be in a new series? Okay, that I think they mean serial. वो अब इंशाल्लाह आ रहे हैं. Okay, अगर आप actor नहीं होते तो क्या होते? मैंने बहुत सी चीजें की हुई हैं और by God's good humor, I've ended up being an actor. मैं अगर एक्टर ना होता, मैं अपने दिमाग में अक्सर जब मैं रन कर रहा होता हूँ तो मैं अपने आप को एज वकार यूनुस इमेजिन कर रहा होता हूँ, और आजकल के एक फास्ट बॉलर है जोफ्रा आर्चर, उनको इमेजिन कर रहा होता हूँ. तो आई थिंक क्रिकेट हैज टू बी माई फर्स्ट लव, सो आई वुड हैव बीन अ क्रिकेटर प्रोबेबली. Great. Okay. In another life. So बहुत सारे compliments हैं, hearts हैं, praises हैं. One person again, Dinesh Khan is saying it's her birthday, so please wish her, Dinesh Khan. Happy birthday, Dinesh Khan. May you have many more. Make some huge goals for yourself. You only live once. Make it count. Yeah. Okay. So मैं देख रही हूँ. ठीक है. Any actor or actresses Imad wants to work with? Local or can be anyone in the world? Aaj local karte hain. मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो ये लगती है कि जब आप एक बहुत ही पॉजिटिव एटमोसफेयर में काम करो, एक टीम बन के काम करो, वहां पे सियासत ना हो, वहां पे अपनी इनसिक्योरिटीज लोग दूसरों पे ना निकाल रहे हो, मुझे बहुत मजा आता है इस तरह करने में. एक कमर्शियल था असद का जहां पे मैंने बहुत भागना था, आई वॉज प्लेइंग एन एथलीट. या एंड आई डोंट नो, एक एटमोसफेयर ऐसा था कि हमने सुबह 3 बजे शुरू किया है वो जो 26th स्ट्रीट का ब्रिज है वहां पे भागना, एंड टिल 6 PM आई थिंक आई वॉज रनिंग. फिर हम उधर से गए नेशनल स्टेडियम के सामने, एक एथलेटिक सेंटर है, एंड आई वॉज रनिंग. आई डोंट नो, एक एनर्जी ऐसी थी कि आई वॉन्टेड टू गिव एवरीथिंग. सो कमिंग बैक टू दैट, मुझे उन लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आता है जो कि एंथुजियास्टिक होते हैं, जो कि अगले बंदे को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको क्रिएटिव स्पेस देते हैं, और सबसे बढ़कर एज अ टीम काम करते हैं. मुझे वहां पे बहुत तंगी होती है जहां पे हर बंदा इज प्लेइंग फॉर देमसेल्फ्स, एवरीवन इज अ सेल्फिश टीम प्लेयर, एवरीवन अगले बंदे का मजाक उड़ाओ, अगले बंदे का ये करो. आई डोंट नो, मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है इस तरह की जगहों से. तो मुझे बहुत मजा आता है हर उस इंसान के साथ काम करने में जो कि टीम प्लेयर हो पॉजिटिव हो. I've played a lot of sports in my life. I have a very strong foundation in sports. So I've realized one thing, ke it's all about teamwork. I mean, jis tarah aap apni team ko team member ban ke pani pilate ho, 12th man hote ho, to unka sweater pakad ke, is type ki cheeze, ye cheeze, uncha bada koi nahi rehta. Once you become a team, koi usme bada nahi rehta, koi usme chota nahi rehta. Once we've become a team, it's a collective goal. So meri yehi koshish hoti hai ke किसी को नीचा ना किया जाए, किसी को ये ना दिखाया जाए दैट मैं आ गया हूं तो हर चीज नाउ रिवॉल्व अराउंड मी, और आई एम दैट सेल्फ ऑब्सेस्ड के आई एम गोइंग टू टेल ऑल माय स्टोरीज, जो मैं कहूंगा वो ठीक है, मुझे ज्यादा पता है. ऐसा फूल्स नो इट ऑल, ओनली फूल्स नो इट ऑल कहते हैं ना. एंड सो आई थिंक आई कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल हु आर लाइक माइंडेड लाइक मी, एंड
I also believe there are people who you can afford to spend a few minutes with, but not a few hours with. Yeah. So, akshar ye shoots pe hota hai ki I can afford to spend a few minutes with them, but not a few hours. Oh, God. Yeah, we keep hearing these things, a lot of negativity in the productions of mostly in the drama industry. और सुनने में आता है ऑफ कोर्स कुछ सरफेस होती हैं कुछ नहीं होती हैं बट आई ऑलवेज थॉट के एंड सेम व्हेन दे व्हेन यू मीट इन सबको जब आप सोशली मिलते हो और आप कहते हो यार नहीं 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 ये आपस में तो डजंट लुक लाइक एंड देन बाद में यू लाइक ओ गॉड आई हर्ड दिस थिंग ऑफ कोर्स नो नेम्स हियर बट या आई कैन टोटली रिलेट टू लिटिल बिट ऑफ कि ये बहुत होता है एंड सैडली इट शुड नॉट बी देयर डेफिनेटली वही वाली बात आई एम नॉट सेइंग व्हाट्स राइट और रॉन्ग I just don't believe in these values. Totally. Okay. So I think aapka time ho to nahi kya? I think we're 10:05. Yeah, 10:05. So 10:05. Yeah. Okay. So but I'm having a great time. Seriously, I've become a pro. Itne zyada maine kar liya. I think it is 11th or 12th session that I'm having tonight. It's fun. Okay, but Imad, before you go, and main live pe hi aapse lena cha rahi hu ki dekho, we can do a small Zoom session and do a proper recording with you soon. Inshallah. Anytime, please. Yeah. Please do it. Let's do it. Yeah, let's do that and a small session karte hain apna Zoom pe. Virtually sahi abhi jab tak wo nahi ho raha. Yes, please. Thanks. Thank you, Farah. All the best. Thank you so much. Night. Same goes to you. Who are you having tomorrow night? Yes. Tomorrow do we have? Aaj to hamare ek shaam ko straha thi and then you forgotten. So roz ke ek ek do do ho rahe hain ki mujhe yaad hi nahi. Monday. That's nice. Mujhe yaad nahi aa raha. But I don't know if you have any. Chale, main Faisal bhai from Strings unko keh raha tha ye ab hamare acting aur singing gigs hain. Insta live chat. Actually, we should pick up. Yeah. We should get Strings online with us also soon. Yes. Yeah, please do. Please do. They're a pleasure to talk to. You learn a lot from just speaking to them. Yeah. Yes, definitely. Chalo, thank you very much. Thank you. Thank you, Farah. I'll see you. Thank you. Bye. Thank you. Okay. Bye.